अरब के मशहूर मेलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत देते थे, उनमें मशहूर तरीन मेले का नाम क्या था? जी बीबी, अक्काज का मेला, आ जाए जी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबसे पहले किस पैगंबर का जिक्र आया है? जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आप तशरीफ ले आए जी। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि तलो जिंदगी में आगे बढ़ो, तलो जिंदगी में आगे बढ़ो। जवाब आपने दुरुस्त दिए, तलो आपके सामने है, आगे बढ़ो, उठाओ, आगे बढ़ो। जी कोई मेहमान ये बताएगा कि बलोच किस जबान का लफ्ज है? फारसी। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। एशिया के बाद खुश्की का दूसरा बड़ा टुकड़ा कौन सा है? जी बेटा इधर वाले दोस्त बता दें। बर्रे आजम अफ्रीका। जी आप दोनों मेहमान हैं, कहते हैं खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम, उनके सवालों के आपने जवाब दिए, उनकी तरफ से कैश किताब का तोहफा आपके लिए और जिप्सी की तरफ से कैश किताब का तोहफा आपके लिए। बिस्मिल्लाह, आप दोनों को मुबारक हो जी। हौली। टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने आपके लिए इसमें वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा है, उस जोड़े के लिए जो इस वक्त इस छत के नीचे सबसे नया नवीला जोड़ा हो। अट्ठाईस अप्रैल 2012 वाले दो हैं, कौन कौन से हैं? जरा सामने आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। अच्छा जी पहले बीमारों से बात कर लूं, निकाह नामा कर दो जी। निकाह नामा घर भूल आए हैं, वो व्याह वाकई होया है थोड़ा कि? अच्छा फिर अगली बारी आ जाना, नकाह नुमा लेके आना, उन जिक्र तबीयत भी ठीक हो जाएगी, इन जरा खान पीन दिया कर। निकाह नामा जी, वो तुसी आप तो अच्छे भले हैं, आप भी भूल आए, वो तो बेचारा बीमार है। इनके बाद कौन है जी? सत्ताईस अप्रैल वाला कौन है मेहमान? हर थां ते अगे के कली ना तुर पिया कर, ना लेके तुरया कर, वो शर्माते तो उन्होंने दुनियादारी को सिखा, ये थोड़ी के जिथे हो आप पहला तुर पी हो बेचारा पिछे खड़ा। लिया निकाह नामा कड्डो, इथे रख सीधा कर, किड्डे प्यार ना हाथ फेर रहा उस दिन। की नाम की? अदनान। अदनान जेड़े मौलवी साहब ने नकाब पढ़ाया सी ओदा की ना सी? उसका नहीं पता। पता ही नहीं।
बारात में कितने लोग आए थे? पता नहीं मुझे। आप कहती वो बड़ा भोला है, हुन कन्ना च गल्लां करन रहा है। ओए ठीक है जैवे छुपवा के ले आंदा है। अब ये बता दें कि बारात में कितने लोग आए थे? लोग आए थे 30 कहा था 40 आए थे। 30 कहा था 40 आए थे। क्या बारात बहुत दूर से आई थी? पता नहीं, नजदीक थी। पता नहीं, नजदीक थी। नजदीक यानी एक ही शहर से? एक ही शहर से आई। किस शेहूपुर? हो नहीं, साहिवाल से। साहिवाल, लो मेरा पुराना शहर। लो साहिवाल चाहे हूं यह रह गया मेरे आन तो बाद। साहिवाल तो खैर ना, की कारोबार है? जी लकड़ी का काम है। केड़े बाजार च? बाजार में नहीं, वो जो नए घर बनते हैं ना उनमें हम काम करते हैं। फरीदकोट कदी गए हो? फरीदकोट गए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज देखिया कदी अंदरों? हाँ जी। कैसा है? अच्छा है। तू तो लड़न नू पैना यार हर गल। अच्छा आपने बारात में खाने को क्या क्या दिया था? मुर्गे का गोश्त था, मीठे चावल थे और नान थे बस। सलाद था? सलाद तो गोभी काट कुट के देती होनी। ए वैसे इससे ही काबल सन के इन्हां नू एदां दी चीज दित्ती जांदी। लो अपना निकाह नामा और मैं अर्ज करूं आइंदा आप तशरीफ लाएं 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन जब आप इस तरह के मुकाबले में तो फिर वो निकाह नामा। आप दोनों को नई जिंदगी मुबारक हो। आप मास्टर पेंट्स बनाने वालों ने आपके लिए शादी पर ये तोहफा दिया है आपको, वॉशिंग मशीन। ये आपको मुबारक हो और आप सबको भी नई जिंदगी और अल्लाह आपको नई नई खुशियां दे। लेकिन आज का इनाम ये लोग जीते हैं अपना निकाह नामा दिखाकर। प्रोग्राम खत्म हो तो लेके जाइएगा, अब ये आपकी अमानत है हमारे पास। ठीक है जी। दो दुल्हनों को तो एक इधर फूल और एक इधर फूल। अगली दफा आना तो जरा कायम हो गया होना। इन्हों को खवाया प्या कर बीबी। जाओ शाबाश बिस्मिल्लाह। शहजाद हुसैन और अब्दुल कयूम आपके दरमियान मुकाबला है ब्राइटो पेंट्स की भेजी हुई कार का गोल्ड कैटेगरी में इंटरनेशनल क्राउन अवार्ड जीतने वाले ब्राइटो पेंट्स। हर दीवार से छल के प्यार। ब्राइटो पेंट्स इंटरनेशनल क्वालिटी कन्वेंशन लंदन में बिजनेस इनिशिएटिव डायरेक्शन की जानिब से गोल्ड कैटेगरी में 2011 का इंटरनेशनल क्वालिटी क्राउन अवार्ड हासिल करने वाली पाकिस्तान की पहली पेंट कंपनी। कौम के लिए एक एहसास। ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छल के प्यार। अमेरिका के वजीर और पाकिस्तान के वजीर में क्या फर्क होता है? सेनेटर। सेनेटर तो और जॉब है। यही सवाल आपसे जी। सेक्रेटरी बोलते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो जिसका भी वजीर हो। वहां मिनिस्टर नहीं कहा जाता उससे जी, अमेरिका में। आपका एक जवाब दुरुस्त है जी। अब आपकी बारी है। ब्राइटो पेंट्स के मेहमान, क़याम पाकिस्तान के बाद 1951 सिंध में एक तारीखी मकाम और शहर जमीन से दरियाफ्त हुआ था, उसका नाम बता दें। मोहनजोदड़ो। आप बताएंगे? नहीं सर। उसको भंबोर का शहर है। ससी को वो कहते हैं ना कि तेरा लुटिया शहर भंबोर नी ससीए बेखबरे।
तो ये 1951 में भंबोर सामने आया था जी, गलती हो गई जी। कायदे आजम की जाती कोशिशों से हिंदुस्तान में एक अंग्रेजी अखबार शाये हुआ था, उसका नाम बता दें। डॉन। डॉन। और पाकिस्तान बनने के बाद ये अखबार पाकिस्तान में भी आ गया। जवाब दुरुस्त है जी आपका, आपकी बारी है जी। वो कौन सा खेल या मशगला है जिसे अगर अधूरा छोड़ दिया जाए तो मौत वाकई हो सकती है? सॉरी, वो कौन सा खेल या मशगला है जिसको अगर अधूरा छोड़ दिया जाए तो मौत वाकई हो सकती है? सॉरी, तैराकी एक ऐसा मशगला या खेल है, अगर आप दरिया में तैर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप तैरना बंद कर देंगे तो आप डूब जाएंगे, तो मौत वाकई हो सकती है। ये सीधी सी बात थी। घर से आप मोटरसाइकिल जीतने आए हुए हैं, फौज में कैवलरी से क्या मुराद ली जाती है? फौज में कैवलरी से क्या मुराद ली जाती है? रेजिमेंट है। घुड़सवार फौज को कैवलरी कहा जाता है। रंगीन टेलीविजन में कौन से तीन बुनियादी रंग इस्तेमाल होते हैं? रेड ब्लू ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन। ग्रीन, सब्ज, सुर्ख और नीला। जवाब दुरुस्त। आपसे सवाल है साहब के सबसे पहले चीचक और खसरे के असबाब, अलामात और इलाज किस मुसलमान साइंसदान ने बताए थे? जाबर बिन हयान। मोहम्मद बिन जिक्रिया राजी, उसने ये अलामात सबसे पहले इसका इलाज बताया था। अब आपकी बारी है जी। ब्राइट ऑफ पेंट्स की मोटरसाइकिल है लेकिन अभी तक आसार कहीं जाती नजर नहीं आते जी। साहिल मकरान की आखिरी बंदरगाह कौन सी है? सॉरी, और मारा। साहिल मकरान की आखिरी बंदरगाह है जीवानी। बताइए न्यूटन कौन सी धात बनाने के लिए 22-22 घंटे तक आग की भट्टी के सामने बैठा रहता था? गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड, सोना। जवाब दुरुस्त है जी। आपसे आखिरी सवाल है जी कि आबशार नियाग्रा का ज्यादा हिस्सा अमेरिका में है या कनाडा में? अमेरिका में। आपने फरमाया अमेरिका में, हालांकि ये 3/4 कनाडा में है, 1/4 अमेरिका में है। दो जवाब आपके दुरुस्त हैं, दो जवाब आपके दुरुस्त हैं, मैं क्या करूं? एक एक और पूछ लूं ना, मुझे पता है कि कौन सा सवाल है, ना आपको पता है कि कौन सा सवाल है। ये आपका बताइए चांद पर सबसे पहले कौन सा खेल खेला गया? चांद पर सबसे पहले गोल्फ खेला गया जी, गोल्फ का खेल। गलती जी। रोशनी तमाम अतराफ में मसावी रफ्तार से सफर करती है, खा देखने वाले की हरकत कुछ भी हो, यह तहकीकी जुमला किस साइंसदान का है? इब्नुल हिसम। इब्नुल हिसम। हैसम आपने फरमाया, हालांकि ये आइंस्टाइन है।
मेरा फैसला अब यह है कि ब्राइटो पेंट्स की तरफ से कैश किताब का जो तोहफा है ये आपको मुबारक हो, कैश किताब का तोहफा आपको मुबारक हो, और मोटरसाइकिल को आप भूल जाएं। बिस्मिल्लाह। जी बैतबाजी का मुकाबला शुरू होता है। लासानी अर्के महजिल की टीम है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से अहमद वलीद भट्ट और मोहम्मद अमजद। लासानी अर्के महजिल अपना पैगाम देते हैं। मोटापे की वजूहत को कम करने के लिए मुअस्सर दवा लासानी अर्के महजिल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। और इनका मुकाबला है शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से तौकीर अहमद खान और मोहम्मद उस्मान। टीम है मास्टर पेंट्स की नुमाइंदगी के लिए। मास्टर पेंट्स अपना पैगाम देते हैं। सुनो, आज सिनेमा में बहुत अच्छी मूवी लगी हुई है, क्या हम प्लीज जा सकते हैं? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। घर बैठ बैठ के तंग आ गई और इस घर की हालत तो देखो। सुन रहे हो? हाँ। क्या हाँ? और वो जो तुमने शॉपिंग पे ले जाने का वादा किया था, कब लेकर जा रहे हो? स्वीटर आज नहीं, फिर सही। याद है अम्मी ने आज लंच पे बुलाया है? हम तो इस घर में किसी को बुलाने से रहे। तुमने नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। देखते हैं। सुनो, रंग लगा रंगों से अपनी दुनिया सजा, रंग लगा रंगों में है खुशियां बेपना। पहले लंच, फिर शॉपिंग और रात को मूवी, चले। स्वीरा राज ने फिर सही। मास्टर लग्जरी प्लास्टिक इमल्शन, बेहतरीन इंटीरियर पेंट जो दे घर की अंदरूनी दीवारों को ड्यूरेबल फिनिश, ज्यादा कवरेज, सुपीरियर वॉशेबिलिटी और है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मास्टर पेंट्स, कुछ रंग होते हैं खास। चलिए, मुनीर नियाजी याद आ गए हैं। हम भी मुनीर अब दुनियादारी करके वक्त गुजारेंगे, होते होते जीने के भी लाख बहाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। नून। ना चाहत के जज्बात अलग, ना खुशियों के लम्हात अलग, थी सारी बात लकीरों की, तेरे हाथ अलग, मेरे हाथ अलग। गया है किसी से कौन तुझे देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुझे देखने के बाद। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा न कर सको। लासानी अर्के महजिल, वाओ। वो कहती है मेरी आंखें कलो कतरा से मिलती हैं, मैं कहता हूं तेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। आपस में नहीं मिलती। नून। न कर ऐलान इतनी बार मस्जिद के स्पीकर से, गरीबों के जनाजे में कोई शामिल नहीं होता। अलिफ। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा, मौला न मिलेगा। मिलेगा। अलिफ। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। नून। ना मुरादा ने मोहब्बत को हकारत से न देख, ये बड़े लोग हैं जीने का हुनर जानते हैं। नहीं, उसका इरादा ही नहीं है याद रखने का, कराऊं याद उसको वो दोबारा भूल जाता है। वो दोबारा भूल जाता है। जे ये अपना इश्क जफर रह गया दरे कदरा, किरायादार अचानक मकान छोड़ गया। किरायादार अचानक मकान छोड़ गया। अलिफ। अब जरूरी नहीं हाथों से जलाएं ये चिराग, ये भी काफी है कि आंखों से इशारा किए जाएं। अच्छा, आंखों से इशारा किए जाएं।
नून। नामा बर खुल के सुना करना खबर के टुकड़े, हुए जाते हैं इधर जहां के जिगर के टुकड़े। नामा बर खुल के सुना करना खबर के टुकड़े, हुए जाते हैं इधर जहां के जिगर के टुकड़े। ये लग बात के मैं छोड़ चुका कूजागरी, तेरे जैसे तो मैं मिट्टी के बना सकता हूँ। नून। नामा बर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। नामा बर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। नून। नहीं मतलब नहीं उसकी नहीं का, ये दिल समझा नहीं पागल कहीं का। पागल कहीं का। अलिफ। आशुफ्तगी से उसकी उसे बेवफा न जान, आदत की बात और है दिल का बुरा नहीं। आदत की बात और है दिल का बुरा नहीं। दिल का बुरा नहीं। नून। न जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। अलिफ। ऐसा बदला हूँ तेरे शहर का पानी पीकर, झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती मुझको। झूठ बोलूं तो नदामत नहीं होती मुझको। वाओ। वो दिन भर कुछ नहीं करते हैं मैं आराम करता हूँ, वो अपना काम करता हूँ। नामा बर हाल मेरा उनसे जुबानी कहना, खत न देना कि वो औरों को दिखा देते हैं। चलो। नजर अंदाज करने की सजा देना थी तुझको, तेरे दिल में उतर जाना जरूरी हो गया था। अलिफ। अलिफ। अभी भूला नहीं मैं अपनी अनपढ़ माँ का वो जुमला कि बेटा इल्म की दौलत मेरी सांसों से प्यारी है। मेरी सांसों से प्यारी है। ये यक लख्त गिरा है तो जड़ें तक निकल आई, चिड़ियों पेड़ को आंधी को में हिलते नहीं देखा। यक लख्त गिरा है तो जड़ें तक हैं निकल आई, ये यक लख्त गिरा है तो जड़ें तक निकल आई, चिड़ियों को बहुत प्यार था इस बूढ़े शजर से। नहीं सर, वो एक शेर ये भी है और एक वो के जिस शख्स जिसको आंधी में भी क्या वो हिलते नहीं देखा, वो ऐसा है वो सर जो बहरहाल बात खत्म हो गई, टाइम ज्यादा हो गया जो आपके लिए मखसूस किया गया था। जिसका नाम निकल आएगा वो जीता हुआ होगा और दूसरा नहीं जीत सकेगा। दोनों टीमों के सामने आपके सामने मास्टर पेंट्स के अपने तोहफे और कैश और किताब दोनों के लिए हाजिर है। आपके सामने लासानियर के महसिल के अपने तोहफे कैश और किताब हाजिर है। अब फैसला हार जीत का है, वो कुरानदाजी के जरिए। मैंने एक पर इस्लामाबाद लिख दिया है, एक पर लाहौर लिख दिया है। चलिए आप ही मदद कर दें, ये दो पड़े हैं, इनमें से जिसको आप उठा दें वो जीत जाएगा। जी ये जीत गया जो मेरे हाथ में है, और ये रनर्स अप यानी हार गया जो मेरी जेब में है। इस्लामाबाद। आज जी लासानियर के महजिल के तोहफे आप दोनों को मुबारक हों, और कैश किताब भी इसके साथ है, और मास्टर पेंट्स के तोहफे आप दोनों को मुबारक हों, कैश किताब भी उनकी तरफ से है, और दोस्तों की भरपूर तालियां। म्यूजिकल चेयर का प्रोग्राम शुरू होता है जी। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स बनाने वालों ने ये तोहफा भेजा है, सोने का लॉकेट, जो हम नवे प्रोग्राम में फाइनल में देंगे। आज सब मेहमानों को उनके तोहफे मिल गए हैं कॉस्मेटिक्स के, और गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स अपना पैगाम देते हैं।
गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो दुनिया माने, गोल्डन पर्ल। एक दो गो। एक दो गो। तैयार, एक दो गो। कैश किताब आपके लिए जी, कैश किताब आपके लिए, कैश किताब और फूलों का तोहफा आपके लिए जी। जी आप मेहमान हैं हमारी वाइटल चाय बनाने वालों की। वाइटल चाय ने पूरे हॉल के लिए अपने तोहफे भेजे हैं। ये हॉल के आधे कार्ड मौजूद हैं, जिसका कार्ड आप निकाल देंगी उसको तो इनाम मिल जाएगा जी। कोई एक कार्ड जो आपका जी चाहे। ईस्ट अंग्रेजी की मोहर है, ईस्ट एन एन फॉर नेशन, कार्ड नंबर 910। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने तोहफे भेजे हैं और वाइटल चाय बनाने वालों की तरफ से कैश किताब का तोहफा भी है। और वाइटल चाय बनाने वालों की आप शादीशुदा हैं जी, ये जाके बेगम साहबा को दीजिएगा जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आपने हमारी मदद की है वाइटल चाय के इनाम तकसीम करने में। वाइटल चाय ने आपके लिए भी अपने तोहफे कैश किताब और फूल भेजे हैं। ये आपको मुबारक हो जी। बिस्मिल्लाह।
خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. وطن عزیز کو دعا, پاکستان زندہ باد.